वेलकम डियर लर्नर्स, आई डॉक्टर अंजलि सक्सेना वेलकम यू ऑल. डियर लर्नर्स, आज हम समझने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन आईआर एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. डियर लर्नर्स, अगर बात करें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो दैट इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय अ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल. जो भी वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के कारण होता है, रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्टडी कर पाते हैं. जबकि अगर हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, तो जो भी हम स्टडी कर पा रहे हैं दैट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन बाय द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल. आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगर हम बेसिक कंसेप्ट समझें, तो हमने सिलेक्शन रूल में पढ़ा है वो कंपाउंड जो डाइपोल मोमेंट शो करते हैं वो आईआर एक्टिव होते हैं, जबकि वो सभी कंपाउंड्स जो पोलराइजेबिलिटी शो करेंगे दे विल बी रमन एक्टिव. पोलराइजेबिलिटी मींस जब कोई डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है किसी मॉलिक्यूल में किसी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी. तो जब किसी कंपाउंड के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है उसको हम वो होता है आईआर एक्टिव. जबकि वो मॉलिक्यूल जो पोलराइजेबिलिटी शो करेगा, यानी कि जिसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा बाय सम इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पोलराइजेबिलिटी शो करेगा, ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो होते हैं रमन एक्टिव. नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो जितने भी होमोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल होंगे वो नॉन एक्टिव मोड में होंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के, क्योंकि वो डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेंगे. जबकि जितने भी होमोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रमन एक्टिव होते हैं. तो होमोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक N2, O2, H2. इन केस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी या इम्प्योरिटी की रिजिडिटी नहीं है, कंडीशन नहीं है हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्टडी के लिए. जबकि हमारा जो सब्सटेंस है इट मस्ट बी प्योर एंड कलरलेस इन केस ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तभी हम उसकी स्टडी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर पाएंगे. इन केस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो वाटर होता है वो ओपेक होता है, जिसकी वजह से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. जबकि इन केस ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वी कैन यूज वाटर एज अ सॉल्वेंट. आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्यूरेट और सेंसिटिव है, जबकि जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है दैट इज लेस एक्यूरेट एंड लेस सेंसिटिव. आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं, जबकि जो रमन लाइंस होंगी वो वीकर होंगी, अगर वीकर इन इंटेंसिटी होंगी अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करते हैं. इसीलिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस को यूज किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ रमन लाइंस को इंक्रीज करने के लिए. तो यही डिफरेंस थे आईआर और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो हमने वन बाय वन समझे कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्प्शन पर वर्क करती है, जबकि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन पर वर्क करती है. अगर हम देखें तो वो मॉलिक्यूल जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट शो करते हैं वो आईआर एक्टिव होंगे, जबकि जो कंपाउंड पोलराइजेबिलिटी शो करते हैं वो रमन एक्टिव होंगे. हमने देखा जितने भी होमोन्यूक्लियस डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो आईआर इनएक्टिव होते हैं, जबकि वो रमन एक्टिव होते हैं. कंपाउंड की प्योरिटी या इम्प्योरिटी कोई रिजिडिटी या कंडीशन नहीं है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी करने के लिए, जबकि सब्सटेंस को प्योर और कलरलेस होना चाहिए अगर हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसकी स्टडी कर रहे हैं. फिर हमने देखा कि जो वाटर है उसको हम एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं कर पा रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जबकि रमन में हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं. जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो मोर एक्यूरेट एंड सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. Dilute solutions we can use in IR spectroscopy, but to increase the intensity of Raman lines, हमें यहाँ concentrated solution use करने पड़ते हैं as a solvent. I hope आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा difference. मैंने अपनी separate videos में IR spectroscopy और Raman spectroscopy को briefly समझाया है, आप उसको as a reference देख सकते हैं. अगर आपको ये video पसंद आई है तो like, share करना ना भूलें. Thank you very much everyone.